रात का समय और बुजुर्ग व्यक्ति दुकान बंद कर घर लौट ही गया था कि मानो बदमाशों ने हवा की झोंके की तरह आकर बुजुर्ग की आंखों में मिर्ची डालकर 1 लाख की लूट को अंजाम दे दिया। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये सिरसा की अग्रसेन कॉलोनी की हैं। घटना उस वक्त की है जब पीड़ित अपनी दुकान से अपने घर पहुंचता है और वो अपनी स्कूटी अंदर करने के लिए घर का दरवाजा खोलता है। इतने में एक शख्स ने उसे आवाज लगाते हुए उनकी आंखों में मिर्ची डालकर जमीन पर पड़े बैग को उठाकर लेकर भाग जाता है। बैग में 1 लाख रुपए की राशि व बही खाते थे। पीड़ित व्यापारी का कहना है कि वो 2 लोग थे और इस बारे में उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी है। मैं 9 बजे थोक मंगल करके अपने लड़के साथ स्कूटर पे आया था जी। तो स्कूटर पे आके बिग रोड पे लड़का कहते हैं शेव ला लूँ, वो शेव लाने बैठ गया और मैं यहाँ पे अकेला स्कूटर पे आ गया जी। बैग आगे टंगा था, मैं यहाँ गली में यहाँ जैसी एंट्री की, यहाँ मैंने स्कूटर रखा, स्कूटर रखे बैग उतार के यहाँ रख दिया, टिफिन यहाँ रख दिया जी। और मैंने ये गेट खोला, पहले एक खोला फिर दूसरा गेट खोला, खोलने के खोल रहा था इसमें वो लड़का आया मेरे साथ जी। क्यों उन्होंने 2 लड़के मेरे क्रॉस किया था और वो खाली पार्ट उन्होंने बाइक की खड़ी जी। तो फिर उन्होंने एक लड़का वहाँ ये मेरे पास आया, कह रहा है नहीं बैठा जी, उसने मेरी आँख में मिर्च डाली तो बैग उठा लिया, ये व्हाइट कलर मास्क पहन रखा था, ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी कार्रवाई करेंगे। वही इस वारदात पर सिटी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार का कहना है कि उन्हें रात को सूचना मिली थी कि 2 लोग एक बुजुर्ग से 1 लाख रुपए छीनकर भाग गए, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है, नाकाबंदी भी की गई है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। देखिए रात को हमारे पास सूचना आई थी कि एक वृद्ध व्यक्ति से पीछा करके और 1 लाख रुपए उससे बैग छीन के भागे जिस सूचना पर हमारी पूरी पुलिस, CIA पुलिस, सिटी पुलिस, चौकी कृतिनगर, हमने सभी ने कल उस पर कार्रवाई की है और हमने कल उसी समय ही नाकेबंदी स्टार्ट करी थी, लेकिन अभी जो है कार्रवाई जारी है इसमें। और जहां तक इसमें सवाल है कि वो पीछा करके रैकी करके इसको मतलब इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल 2 लोग थे इसमें और उनकी हम चेकिंग कर रहे हैं, सारे CCTV कैमरेज हैं और हैं, तो हर पॉइंट पे हम काम करके इसको ट्रेस आउट कर रहे हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। लूट की पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के अन्य CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि लुटेरों का सुराग मिल सके। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी TV।